बिरजू और बंसी नाम के दो मित्र रहते थे। बिरजू बहुत ही कामचोर और आलसी था और बंसी बहुत ही परिश्रमी था। वह अपने काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। बंसी काम करता था और बिरजू अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, बिरजू अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर ले जाता था। वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है। और बंसी खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैलों को अच्छे से नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू बिरजू के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि बिरजू बहुत ही परिश्रमी है और बंसी बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोई से कहा, देखो बिरजू बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना, उसके खाने में कोई भी कमी ना होने पाए। रसोईया बिरजू को भरपेट खाना देता था और बंसी का पेट ही नहीं भरता था। बंसी ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो भर पेट खाता है। बिरजू समझ गया कि बंसी के मन में संदेह हो रहा है। वह डर गया कि अगर बंसी ने असली सच बता दिया तो। इसलिए उसी रात को बिरजू ने बंसी को कहा, सुनो बंसी, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना, अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, समझे ना। अरे जा अपना काम कर जाके। यह कहकर बंसी सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण बंसी गहरी नींद में सो जाता है और बिरजू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुबह बिरजू अपने बैल को लेकर खेतों में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है बिरजू, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है, उन्होंने मुझे रात भर काटा और सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महल में वो जो पुराना खाली पड़ा हुआ कमरा है ना, उसे साफ करवा दो और बिरजू का सारा सामान उस कमरे में रखवा दो। आज के बाद बिरजू मेरे महल में ही रहेगा, याद रहे उसे किसी चीज की कमी ना होने पाए, ठीक है ना बिरजू? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। उस दिन के बाद बिरजू की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वह जमींदार बाबू के घर में रहने लगा। बिरजू बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बिरजू बैल को रस्सी से बांधकर वह सोया रहता था और बंसी दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता बिना